हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि यहाँ पर ज़िलेवार कई रिक्त पदों पर जो है वैकेंसी निकल के आ रखी है। और इसके लिए यहाँ पर योग्यता क्या चाहिए, कितने पद हैं, वेतन क्या रहेगा, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करता है प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाले आइकन पर क्लिक करना, वरना इससे जो अपडेट मिलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपकी उत्तराखंड में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकल के आ रखी हैं। और इसमें अगर बात करें सैलरी की, तो यहाँ पर देखते हैं पे स्केल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो पोस्ट हैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का है, जो कि यहाँ पर 25,500 स्टार्टिंग सैलरी होगी। और पोस्टमैन का यहाँ पर जो है 21,700 स्टार्टिंग यहाँ पर सैलरी होगी। और वहीं MTS की वैकेंसीज भी है, जो कि 18,000 यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और वहीं यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर एज के लिए, तो एज यहाँ पर 1/1/2021 को 18 से 27 वर्ष के बीच में आपको होना चाहिए। और वहीं यहाँ पर जो MTS है उसके लिए भी आपका सेम है, और रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जो आपको मिलती है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका यहाँ पर जो है जो 12th पास होना ज़रूरी है, इसमें आपका यहाँ पर लिखा गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कंप्यूटर बेसिक जो सर्टिफिकेट है आपके पास, वो होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है जो ये लिखा गया है जो पोस्टमैन है, इसमें लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है। और आपके पास यहाँ पर जो है नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज हिंदी, और यहाँ पर टाइपिंग स्किल्स होना ज़रूरी है। और वहीं से यहाँ पर जो है MTS के लिए भी आप लोग देखते हैं, क्लास 12th 10th पास है, क्लास 10th है, और लोकल लैंग्वेज होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी लास्ट डेट अगर देखें तो 22/12/2021 की लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया हुआ है। अगर वही बात करें यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं, कितने हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो यहाँ पर देखते हैं अल्मोड़ा में जो है एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो भी पोस्टल असिस्टेंट का है एक पोस्ट। चमोली में देखते हैं यहाँ पर एक पोस्ट है पोस्टमैन का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। नैनीताल में है दो पोस्ट है पोस्टमैन का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पौड़ी में है एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पिथौरागढ़ में देखते हैं दो पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और एक पोस्टमैन का है, और दो जो है यहाँ पर MTS की वैकेंसीज है, टोटल 5 वैकेंसीज हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर जो आपका देहरादून डिवीज़न है, वहाँ पर 3 पोस्ट हैं यहाँ पर जो है सॉर्टिंग असिस्टेंट का, और टोटल 3 हैं। और इसी तरह का अगर देखा जाए तो 13 पोस्ट यहाँ पर टोटल रखी गई हैं। तो इन पदों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, और इसके लिए जो है आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि नीचे मैं लिंक दे दूंगा, इंडियन पोस्ट करके आपको लिंक होगा, वहाँ से इसकी पूरी डिटेल और यहाँ पर इसकी वैकेंसीज और किस तरह का फॉर्म फिल करना सारा कुछ आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है आपको ये PDF भी मिल जाएगा।